एवरीवन, माय सेल्फ निकिता फ्रॉम कनाडा स्टोरीज। होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड आप सब मुझे भूले नहीं है, उसके लिए बहुत 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 सारा प्यार एंड आई एम वेरी सॉरी मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई है। आज ये वीडियो स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर है कि मैं क्यों नहीं बना पाई, इतने महीनों में क्या हुआ नया, कैसे रहे हमारे कुछ ये दिन। आज हम इन्हीं सब बातों पे बातें करेंगे विद चाय पे चर्चा। पिछले कुछ महीने मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्कलोड था तो मैं बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही थी वीक डेज में। एंड कभी कभी क्या होता है कि अब जब इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो यू नीड सम ब्रेक। तो वीकेंड एक दिन तो हमारा प्रॉपर सफाई में और पूरा घर के ऊपर निकल जाता है, तो एक दिन आई थिंक यू नीड सम मी टाइम बिकॉज आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग सम आर्टिस्टिक थिंग्स। तो मैंने वो सब चीजें अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए मैंने अपनी सारी एनर्जी अपनी आर्टिस्टिक चीजों में लगाई, क्योंकि मेरे बाकी दिन इतने बिजी जा रहे थे तो आई नीड समथिंग जो मेरे को पॉजिटिव रखे। क्योंकि आपके पास इतना सारा काम होता है करने का, किचन से लेके ऑफिस से लेके योहान को स्कूल ड्रॉप करना, उसको पिक करना, वो सब चीजें होती हैं, तो यू नीड सम ब्रेक। एंड इसी बहाने जब मैंने पेंटिंग करी तो मेरे पति ने किचन संभाली एंड नाउ ही इज अ वेरी गुड कुक। तो मैं आपको उनकी बनी हुई चीजें भी जरूर दिखाऊंगी जो उन्होंने ट्राई करी। हम बिल्कुल देसी हैं, हमें ज्यादातर घर का खाना अच्छा लगता है, तो घी से लेके राजमा तक उन्होंने अब सब ट्राई कर लिया है एंड आई थिंक आई हैव अ हेल्पिंग हैंड इन दीज फ्यू वीक्स। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ जो मैंने पिछले कुछ हफ्तों में कलर करा है या पेंट किया है। तो सबसे पहले ये कुछ कैनवासेस थे जो मैं डॉलरामा से लाई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी स्कूल वाली वीडियो में भी इसके ब्लैंक को दिखाए थे। सो ये सब मैंने इनको पेंट करा है एक्रेलिक पेंट से। सब चीज़ों में मैंने अपना थोड़ा सा एनर्जी एंड टाइम लगाया है एंड आई थिंक इट हेल्प्ड मी अ लॉट टू नो मी दैट आई हैव दिस टैलेंट ऑल्सो। डॉलरामा में आपको ब्लैंक कैनवासेस मिल जाते हैं एंड एक्रेलिक पेंट्स भी मिलता है, तो जो आप लेकर अपना यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड इसके बाद मैं आपको अपना एक और पीस दिखाती हूँ। ये भी कैनवस मैं डॉलरामा से लाई थी एंड ये मैंने कुछ फ्री स्टाइल ट्राई किया था। सो एक ये है एंड इसके साथ ही ये मेरा कुछ एक मास्टरपीस कह लीजिए, ये मैंने एक और ट्राई किया था एंड आई रियली लाइक दिस। सो इट वाज माय फर्स्ट टाइम आई ट्राइड समथिंग टू ड्रॉ एंड पेंट टुगेदर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कैसे कर दिया। एंड एक और चीज़ जो मैंने अभी करी है वो मैं आपको दिखा दी। होप आपको ये सब मेरे छोटे से एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे पेंटिंग के। इन सब चीजों में मैंने थोड़ा सा अपना टाइम लगाया एंड ये भी रीजन था तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, क्योंकि आई नीड सम मी टाइम। काफी सारे फेस्टिवल्स भी गए इस दौरान, दो सबसे बड़े फेस्टिवल्स हमारे करवा चौथ और दिवाली गई। करवा चौथ इस बारी हैलिफैक्स में ड्यू टू कोविड मंदिर वगैरह बंद थे, तो जो हमारी थाली पूजा होती है तो वो उन्होंने बोला था कि वो नहीं कर सकते, तो फिर सबने अपने अपने घरों में करा। जो जिसको जानता था वो उसके घर में जाके ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स बड़े ग्रुप्स में लोगों ने घर में ही ऑर्गेनाइज किया था। तो मेरे भी घर पे मेरी दो फ्रेंड्स आए थे एंड आई विल शेयर सम पिक्चर। बट एक चीज का जो मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा, ये कह लो कि यहाँ पे उस दिन करवा चौथ वाले दिन इतना ज्यादा क्लाउडी था कि चांद दिखा ही नहीं। चांद का टाइम वैसे 7 बजे तक का मून राइज था, लेकिन हमने रात के 11 बजे तक
वेट किया बट वो नहीं निकला चांद, एंड फिर हमने वैसे ही बिना चांद को देखे ही अपना फास्ट खोलना पड़ा। तो जब आप कनाडा आओ तो आप इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 to 8 years दैट आई एम कीपिंग फास्ट, एंड कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको चांद बिना देखे अपना फास्ट तोड़ना पड़ा हो। एंड इस साल पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने चांद नहीं देखा, एंड कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि इट वॉज सो क्लाउडी कि चांद दिख ही नहीं सकता था। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड हर चीज़ आपको अपनी सिचुएशन के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चलनी पड़ती है। एंड उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता मुझे चांद दिखा बट उस दिन नहीं दिखा, तो आई फील वेरी बैड भाई, उसी दिन ही क्लाउड्स आने थे। तो एक ये भी था, करवा चौथ ने भी थोड़ा मुझे बिजी रखा। एंड उसके बाद फिर दिवाली आए, दिवाली पे सारी साफ सफाई करी और वो सब में पूरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैंने इस बार चाप बनानी सीखी, पहली बार मैंने चाप बनाई, चाप की सब्जी बनाई। मैं स्नैक्स तो मैं बना लेती थी बट मैंने सब्जी पहली बार ट्राई करी तो वो भी बहुत ऑसम बनी थी, आई विल शो यू द पिक्चर्स। दिवाली भी बहुत अच्छे से हो गई। दिवाली पे हमने जो भी डेकोरेशन का सामान था वो हम सब डॉलरामा से लाए थे एंड वॉलमार्ट से लाए थे, एंड आई विल शो सम पिक्चर्स ऑफ माई दिवाली डेकोरेशन ऑल्सो विद यू। इतने दिनों बाद मैंने इंडियन पहने थे करवा चौथ एंड दिवाली, सुपर एक्साइटेड। एंड ये भी एक रीजन था जो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थी। मैंने अभी तक फॉल की वीडियो एक शूट करी थी बट मुझे टाइम ही नहीं मिला मैं उसको एडिट कर सकूं, एंड आई विल डेफिनेटली शो सम फॉल मोमेंट्स यहाँ के हैलिफैक्स के जो भी थे, एंड हमारे घर के बाहर जो एकदम पार्क है उसमें इतने प्यारे ट्रीज के कलर चेंज हुए थे, तो आई विल शो दैट इन अ सेपरेट वीडियो। एक और चीज़ जो इस दौरान हुई वो ये था कि मेरे हस्बैंड ने जॉब चेंज करी थी, ही जॉइंड अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन बट द इशू वॉज जॉब डिस्क्रिप्शन वॉज सो मिसगाइडिंग दैट ही थॉट इट वुड बी रिलेटेड टू सम टैक्स एंड सम टेक्निकल स्टफ बट इट वॉज अदरवाइज। सो ये भी एक आपको फेस करना पड़ सकता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ होती है और जॉब कुछ निकलती है। लकीली ही गॉट समथिंग इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन ना, तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया था। सो बीट माई वर्क प्रेशर, बीट माई पैशन फॉर आर्ट, हस्बैंड जॉब चेंजेस एंड दी फेस्टिवल्स विच वर देयर, आई एम सॉरी अगेन कि मैं वीडियोज नहीं बना पा रही थी, एंड डेफिनेटली आई एम बैक नाउ एंड आई रियली होप एफर्ट्स कंटिन्यू रहें। एंड एक और चीज जो मुझे दिखानी है, एंड माई गिफ्ट फॉर द एनिवर्सरी जो अभी नेक्स्ट मंथ ही है, iPhone 12 Pro एंड एप्पल वॉच, दोनों की अनबॉक्सिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगी क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। एंड तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी एंड अपने अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। What?